हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट अ डे इन माय लाइफ एंड टीचर्स आई विल बी फॉलोइंग फॉर माय नीट 2025 प्रिपरेशन। आज है 22 जून और अभी बज रहे हैं 10:25। तो मैं अभी आई हूँ पढ़ने, आई नो कि थोड़ा लेट हो चुका है, सुबह थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, बट कोई ना, अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कितना पढ़ाई हो पाता है और कितना नहीं। और आज मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत दिनों बाद फाइनली आज बारिश हो रही थी। सो फाइनली आई सेट डाउन टू स्टडी। तो इस संडे को टेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले मैंने टेस्ट का सिलेबस नोट डाउन किया, क्योंकि ऐसे सामने सिलेबस रहता है तो ध्यान में रहता है कि क्या क्या पढ़ना है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगी और आज की पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। ट्रस्ट में गाइज, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और टेस्ट का सिलेबस भी टाइम पर कम्प्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो क्लासेस के साथ साथ इसे भी ध्यान में रख के इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, जिससे क्लासेस भी मिस ना हो और रिवीजन भी हो जाए। देन आई स्टार्टेड मेकिंग माय टू डू लिस्ट। मैं शेड्यूल से ज़्यादा टू डू लिस्ट बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ट्रस्ट में गाइज, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हो तो बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है और इससे आप खुद नोटिस करोगे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि जब टास्क सामने रहते हैं तो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब टास्क कंप्लीट होने के बाद उस पर टिक करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का मोटिवेट करता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आप अभी टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हो तो बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको रिवाइज करना है और फिर आज की क्लास है, तो इसमें रिवीजन करने में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वही चैप्टर्स हैं जो कि टेस्ट में आने वाले हैं। और मैं क्लासेस शाम को लेती हूँ, तो सबसे पहले रिवीजन टॉपिक्स को रिवाइज करने से स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रही हूँ। सो बायो की रिवीजन मैं मेनली एनसीईआरटी से ही करती हूँ। नोट्स को मैं केवल लेक्चर लेने के बाद एक ही बार पढ़ती हूँ, क्योंकि नोट्स में वही एनसीईआरटी वाली चीज़ें ही होती हैं, थोड़ी एक्सप्लेन करके दी हुई होती हैं। तो मैं नोट्स में से ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो एनसीईआरटी में ऐड कर लेती हूँ, फिर केवल एनसीईआरटी ही रीड करती हूँ। उससे टाइम बचता है और वो टाइम मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी दे सकती हूँ, इनफैक्ट दूसरे चैप्टर में भी दे सकती हूँ बायो की। और बाकी कुछ कितना ही पढ़ लो, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी के मल्टीपल रीडिंग्स। एंड एज यू गाइस नो, न्यूज़ में भी बहुत कुछ चल रहा है रीनीट को लेके, बहुत कंफ्यूजन है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अभी तो फ़िलहाल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रीनीट हो सकता है। तो अभी बहुत कंफ्यूजन है कि रीनीट के लिए पढ़े कि नीट 2025 के लिए पढ़े। तो मैं नीट के लिए तो क्लासेस डेली अटेंड करती हूँ, प्लस मैं क्लासेस के अलावा एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी रिवाइज करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा रिवीजन होते रहे। और बाकी तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद कन्फर्म हो जाएगा कि रीनीट के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो आई एम डन विथ रीडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 11:04। ये चैप्टर बहुत छोटा था तो इसे रीड करने में उतना टाइम नहीं लगा और अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया थोड़े टाइम में। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑफ द सेम चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एमटीजी फिंगर टिप्स यूज़ करती हूँ। तो इस चैप्टर में 100 क्वेश्चंस है जो कि मैं टाइमर लगा के मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो पहले मैंने नंबरिंग कर लिया कॉपी में, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रही हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the storms we chase. सो आई एम डन विथ क्वेश्चंस। इसमें 100 क्वेश्चंस थे जो कि मेरे 39 मिनट, लगभग 40 मिनट में हुए हैं। पहले मेरे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाया करते थे, पिछले साल लगभग 30 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करती थी 100 बायो में, लेकिन अभी 40-50 मिनट्स तक भी चले जा रहा है, तो मुझे अपने स्पीड पर भी काम करना है। और फिलहाल इस चैप्टर में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं और एक मुझे नहीं आया। तो अभी मेरे आज के 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं बायो के, एक एनसीईआरटी रीडिंग और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अभी मेरा बायो पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं था, तो अभी स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में रिडॉक्स चैप्टर रिवाइज करने से। देन आई टुक अ लिल ब्रेक एंड अपलोडेड अ शॉर्ट्स ऑन माई चैनल। सो जस्ट इन केस यू गाइज डोंट नो, मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड 93% ऑफ यू पीपल हैवंट इवन सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब कि जो लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से केवल 7% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो अगर वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार।
So if you are watching this video, please don't forget to subscribe to my channel. Then I started revising redox reaction. ये chapter आज मुझे completely पूरे अच्छे तरीके से revise करना था और learn भी करना था, वो मैंने लिख लिख के किया. और अब मैं इस chapter के short notes भी बना लूँगी कुछ दिनों में, जल्दी ही शायद. So many of you have been asking me in the comments कि किस teacher से पढ़ना चाहिए, कौन से teacher अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इन teacher से पढ़ूँ या ना पढ़ूँ. So only advice that I will give you कि अगर आपको doubt है तो आप उन teacher से एक दो lecture करके देख लो, या फिर अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके बैच में जो भी teacher मिले हैं आप उनको follow करो, क्योंकि teacher सारे अच्छा पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता, बस बात होती है ट्यूनिंग बैठने की. अगर आपको ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है तभी आप किसी दूसरे बैच के teacher के पास जाओ, क्योंकि अपने बैच के teacher से पढ़ने में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक शेड्यूल बना रहे. केवल दूसरों के कहने पे टीचर सेलेक्ट मत करना और अपने टीचर को चेंज मत करना. अगर फिर भी आपको अपने बैच के टीचर से समझ में नहीं आता है बाय द वे, तो आप दूसरे टीचर्स का एक डेमो लेक्चर लेके देख लो. आपको जिनसे अच्छे से समझ में आया उन्हीं से क्लासेस करना. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. और फिर मुझे एक टॉपिक में जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना और बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसे मैंने लेक्चर से देख के फिर से क्लियर कर लिया. सो आई एम डन विथ रिवाइजिंग दिस चैप्टर. ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अब शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. अगर टाइम सेव करना अगली बार से तो मैं जल्दी इसके शॉर्ट नोट्स अब बनाऊंगी एक दो दिन में. और तो इसके साथ मेरा ये वाला टास्क भी कम्प्लीट होता है. और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबी सिटिंग आवर हो गई थी और मेरा माइंड थोड़ा सैचुरेट हो चुका है. तो केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी और अभी 5 बज रहे हैं और अभी मैं आज के क्लासेस अटेंड करने जा रही हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में. तो स्टार्ट मैंने फिजिक्स के लेक्चर अटेंड करने से किया. और रही बात मेरी, तो मैं फिजिक्स MRCR से कर रही हूँ. किन 2.0 में यही फैकल्टी है फिजिक्स के, और बहुत सारे बच्चे भी इन्हीं से करते हैं, इनको कौन नहीं जानता होगा. और आज फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो आज पहली लेक्चर थी तो उसमें उतना कुछ पढ़ाया नहीं गया, सब कुछ बहुत बेसिक था, जैसे कि केवल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी सर ने, उतना कुछ था नहीं. और मैंने स्पीड इंक्रीज करके देखा था तो लेक्चर जल्दी ही हो गया. और अभी उसमें उतना कुछ डिटेल में कुछ पढ़ाया नहीं गया, तो रिवाइज करने लायक उतना भी कुछ नहीं है. तो इसका रिविज़न मैं आज स्किप करूँगी और मैं डायरेक्ट DPP सॉल्व करने जा रही हूँ. और DPP भी बहुत ईजी थी, मेनली सर ने क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं वही क्वेश्चन DPP में भी थे सेम टाइप के, तो इसीलिए मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई DPP में और ये जल्दी कम्प्लीट भी हो गया. और ये मैंने अभी ध्यान दिया, मैंने गलती से 2 के जगह 3 डेट डाल दिया था. फिजिक्स की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है DPP के साथ, तो अभी भी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने चलते हैं. तो मैंने ये नोटिस किया है, मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री में कंफ्यूज हैं कि वो अमित सर से करें या सुधांशु सर से करें. तो अगर आपको दोनों से समझ में आता है या आपने दोनों में से किसी से भी नहीं पढ़ा है, तो आप अपने बैच के टीचर्स को फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा. लेकिन अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो एक बार दोनों टीचर्स के डेमो लेक्चर देख लो, आपको फिर समझ में आ जाएगा. और इतना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से सबसे पूछने से अच्छा है आप खुद ही पढ़ के देखो, खुद ही एनालाइज करो कि आपको किससे ज़्यादा समझ में आ रहा है और किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है. मैं तो अमित सर से पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे बैच में वही टीचर हैं. और फिलहाल उनके बारे में बता दूँ तो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक ले जाते हैं. और रही बात क्वेश्चंस की, तो वो भी बहुत क्वेश्चंस करवाते हैं, JEE मेंस, एम्स, नीट, AIPMT, सारे PYQs भी करवाते हैं, NCERT एग्जाम्पलर करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाते हैं, प्लस वो डेली पिछले क्लास का रिवीजन भी करवाते हैं और डेली टेस्ट भी लेते हैं 2 से 3 लेक्चर्स, और साथ में डेली कुछ होमवर्क्स भी देते हैं घर पर खुद से सॉल्व करके आने को. सो आप लोग खुद से अच्छे से वाइजली चूज़ करना कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, क्यों बाकी टीचर्स तो सारे ही अच्छे हैं.
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पंकज सर से करूँगी जो कि मेरे बैच में वही है। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो उसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। मैंने इनऑर्गेनिक के एक दो चैप्टर्स एमडी सर से ही पढ़े और एक दो चैप्टर्स हितेश सर से ही पढ़े, और दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट मेरा मन था हितेश सर से पढ़ने का, क्योंकि मुझे समझ तो दोनों टीचर से आता है, लेकिन एमडी सर से पढ़ने के बाद अगर कुछ टाइम बाद मैं नोट्स खोलूँ तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी भूली हुई रहती हैं, लेकिन वही हितेश सर से पढ़ूँ तो लेक्चर्स में मेरे को कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं हितेश सर को फॉलो करूँगी, वो इनऑर्गेनिक स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप भी उन्हीं को फॉलो करना जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छे से बैठे और जिनसे आपको पढ़ के समझ में आए, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। इसके बाद मैंने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किए थे और DPP किया था, लेकिन मैं उन्हें रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो इसके साथ मेरा केमिस्ट्री का क्लास भी कम्प्लीट होता है और अब केवल आज की बायो की क्लास रह जाती है। इसके बाद मैंने बायो का क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। आज जूलॉजी का लेक्चर था और इसमें भी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जूलॉजी में पहले नोमेश सर से करती थी, बैच में वही पढ़ाते थे, लेकिन फिर वो चेंज हो गया। मैंने समाप्ति मैम से कभी पढ़ा नहीं था तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी इनको लेके कि पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, बट आई एम लविंग हर। बहुत अच्छे से मैम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे समझा रही हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रही हैं। तो जूलॉजी में समाप्ति मैम से कर रही हूँ और बॉटनी मैं रुपेश सर से कर रही हूँ, बैच में वही पढ़ा रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो बायोलॉजी की क्लास भी ख़त्म हो गई है और बहुत सुंदर नोट्स बने आज मेरे, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने का ही मन करेगा अभी से। और अभी मैं इस नोट्स को रिवाइज़ करने जा रही हूँ, फिर मैं DPP सॉल्व करूँगी इसकी। तो आज का क्लास का रिवीजन मैंने नोट्स से ही किया और मैम ने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उसकी NCERT रीडिंग मैंने कर ली एक बार, और क्योंकि एक बार तो मैम ने क्लास में करवा दिया था। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So yeah, that's all for today. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.